ेश मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ धन्यवाद करती हूँ हम सबको परमेश्वर ने जिंदगी को ज़मीन पर रखा है और हम परमेश्वर को और शुभ संदेश चैनल को तमाम लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उन सबके लिए धन्यवाद जो सुसमाचार को आपके घर तक पहुंचने पाए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे धन्यवाद परमेश्वर पिता राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु भजन संहिता एक सौ के अनुसार प्रभु तेरे वचन का भेद हमारे सबके लिए खोलिए जो कुछ तैयारी किया उस उस यीशु मसीह का लहू को पवित्र आत्मा का मोहर को हम लगाते हैं प्रभु देखने वाले दर्शकों को प्रभु अब बातचीत कीजिए उनसे बा, उनका आत्माओं को अंदर परिवर्तन दीजिए प्रभु ताकि ये वचन प्रभु देधारी हो हम सबके जीवनों के लिए आशीषित हो प्रभु और सबके तेरे स्वर्ग आशीषे सबके जीवन में आए सबके परिवारों में आए यीशु मसीह के जीवित और सामती नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन धन्यवाद करती हूँ एक और मौके के लिए इस हफ्ते हम लोग आपको पता है ये पूरा हफ्ता ये पाम संडे से शुरू होके गुड फ्राइडे और फिर उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुद्धान ईस्टर का संडे से ये खत्म होता है पूरा हफ्ता एक पवित्र हफ्ता माना जाता है ये नहीं कि सिर्फ एक ही हफ्ता पवित्र है हमारे लिए विश्वासी लोग के लिए हर एक दिन पवित्र है लेकिन खास करके वो उस क्रूस को हम याद करने का और यह क्रूस की कथा हमारे लिए हमेशा ताजा रहना चाहिए इसलिए बार बार एटलीस्ट इस समय में हमको उस क्रूस की कथा को हमको जरूर आ, सुनना चाहिए अपने आप को रिमाइंडर देते रहना चाहिए बार 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 भी सुने कितने बार भी सुनेगा तो ये बलिदान हमारे जीवन में बहुत प्रमुख है ये है हमारे लिए यीशु मसीन ने लहू बहाया बोलते हैं लहू 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 बहुत हम प्रार्थना में भी इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उस लहू के बारे में कैसे बहाया क्यों बहाया कितने बार बहाया वो चीज़ आज हम जल्दी से देखेंगे जीसस शेड हिज ब्लड सेवन टाइम्स फॉर यू सात बार उसने एक गुड फ्राइडे के समय में सात बार सात जगह हमारे लिए लहू बहाया गया है और वो लहू कितने बार कहाँ कहाँ बहाया गया क्यों बहाया गया उसका महत्व क्या है हम जल्दी से वचन से ये बात आज सीखेंगे बड़ी ध्यान से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाइएगा जस्ट एटलीस्ट कुछ नहीं है तो एक रेफरेंस नोट करें कि ये बाद में जब आपको टाइम मिलता है उसको अच्छी तरह से गहराई में पढ़िए जानिए समझ लीजिए और इस लहू को सब जगह जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ इस लहू को इस्तेमाल करके एक जैवंत जीवन बिताइएगा यही प्रभु चाहता है यही मैं भी चाहती हूँ सबके लिए चलिए जल्दी से हम जाएंगे सबसे पहले लहू बहाया वेट इज़ लाइक ड्रॉप्स ऑफ ब्लड उनकी पसीना एक लहू की तरह इतना ऐगनी इतना मतलब प्रेशर से वो गुजरे थे ये हम देखेंगे लूक चैप्टर 22 वर्स फोर्टी टू फोर्टी फोर जल्दी से मैं पढ़ रही हूँ उस जगह पहुँच कर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़े और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के दूरी भर गया और घुटने टेक प्रार्थना करने लगा हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से से हटा ले फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी हो तब स्वर्ग से एक दूत उनको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे की समान भूमि पर गिर रहा था हालेलुया। ये 44th verse, ये वर्स देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर वेदना से प्रार्थना किया देखिए परमेश्वर का पुत्र होके वो इतना अत्यंत वेदना से प्रार्थना करने लगा और फिर उसका क्यों इतना वेदना हुआ है जब परमेश्वर का पुत्र को इतना वेदना नहीं होना था लेकिन वो आप याद करिए वो परमेश्वर का पुत्र है तो भी एक मनुष्य रूप में इस शरीर ये मिट्टी का शरीर में इस पृथ्वी में आया उनको भी हमारी जैसे भूख और प्यास लगती थी उनको भी वेदना उनका भी इमोशंस जो भावनाएं वो भी उनसे गुजर रहे थे और देखिए अब छोटा सा एक फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के लिए जाते हैं या उच रिटेन टेस्ट के लिए जाते हैं और वहाँ बैठे हैं 300 सीट्स है तो आपको कितना वेदना होता होगा नहीं होता होगा कि बापरे इतना पढ़े लिखे इतना तैयारी के साथ सारे हजारों लोग आए मुझे क्या होगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत कुछ इमोशन से आप उस समय गुजरते हैं मुझे पता है कितना टेंशन होता है जब क्वेश्चन पेपर हाथ में देते हैं जब तक उस सारे क्वेश्चंस को देखें मतलब एग्जाम पूरा फिनिश करने तक बहुत वेदना होती है और फिर रिजल्ट के समय और वेदना होती है इस तरह से यीशु मसीह भी उस घड़ी में बहुत वेदना से गुजर रहे थे और फिर उनका खून जो है पसीना के रूप में वहाँ पे भूमि पर गिर रहे हैं इतना वेदना और वो कह रहे क्या कह रहे हैं कि हे पिता हो सकता है तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरा हो कई बार हम जब बहुत बड़ी असाइनमेंट जैसे मूसा को साढ़े छः मिलियन लोग को आ, वायदा देश ले जाना था या यहूशू को उस अधूरा काम को फिनिश करके वायदा देश को सारे बारह गोत्र को बांटना था ये बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स बड़ी बड़ी मसले काम सौंपा था तो वेदना तो होता है और फिर मन क्या कहता है और शरीर क्या कहता है छोड़ो यार इतना कौन बोझ उठाएगा नहीं, नहीं 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 जब परमेश्वर आपको सौंपते हैं तो परमेश्वर आपको एक्विप भी करता है हालेलुया यहाँ पे यीशु मसीह को भी हम इसमें जगह में पढ़ते हैं एक फरिश्ता आके उनको स्ट्रेंथन किया बलवंत किया यानी कि मतलब जब हम कमज़ोर होते हैं तो हमें ये फरिश्तों का मदद ज़रूर लेना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए इब्रानिया एक चौदह में लिखा है भजन सहित एक सौ तीन बीस में भी लिखा है और बहुत जगह फरिश्तों के बारे में लिखा है और फिर बड़े बड़े भक्त लोग जब वेदना से गुजर रहे थे बहुत मुश्किल घड़ी में से गुजर रहे थे फरिश्ते आके उनको मदद करते हुए कई जगह कई बार हम देखते हैं सारा वचन मैं नहीं बोल पाऊंगी एलिया को जब इतना डिप्रेशन में गुजर रहा था जब जज़बेल रानी ने उनको धमकी दिया फिर उसने फरिश्ता आके उनको मदद किया ऐसे बहुत जगह में फरिश्ते हमें मदद करते हैं जब हमें डर लगता है हमें लगता है बहुत बड़ा कार्य को हम उठाना है बोझ उठाना है तो हम फरिश्तों का मदद पवित्र आत्मा का मदद ज़रूर लेना चाहिए पवित्र आत्मा भी हमारे लिए जॉन चैप्टर 14 वर्स ट्वेंटी सिक्स और जॉन चैप्टर सिक्सटीन वर्स थर्टीन में मैंने पवित्र आत्मा का भी दो एपिसोड बनाया और फरिश्तों का भी एपिसोड बनाया तो आप लोग वो वीडियो खोलिए और वो वचन का सारा नोट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए यहाँ यीशु मसीह को स्वयं फरिश्ता आके उनको मदद कर रहे हैं क्योंकि इस समय उनका काम जो सौंपा गया पिता ने बहुत बड़ी है वो जहरीली प्याला उनको पीना था और वो मामूली बात नहीं पूरा दुनिया का पाप उस कटोरा में आ गया और वो कटोरा जो विष से भरा हुआ पॉइजन जहरीली जहरीली कटोरा उनको पीना था तभी वो क्रूस में उनका एक कलमा में ऐसे लिखा है हे hey, पिता पिता मुझे क्यों छोड़ दिया एक के के लिए एक के लिए मिनट ने अपना उधर कर लिया मतलब इतना काला जहरीला हो गया क्योंकि आपका मुझका सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर क्रूस में आ गया था ट्रांसफर हो गया था इसलिए वो इतना वेदना से भरे हुए थे ऐसे हम पढ़ते हैं और दूसरा जगह में मसीह मसीने जॉन चैप्टर 19 वर्स 1 यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए हालेलुया तो ये यहाँ पे हम देखते हैं उनका उनतालीस कोड़ा उसने खा चुका है और वो एक कोड़ा में वो कोड़ा मतलब हंटर भी बोलते हैं उसको ये सिर्फ रस्सी नहीं है उसके अंदर एक बड़ा सा कील भी लगा होता है और इतना लंबी वो बेल्ट जैसे लेदर से भी होता है कील भी लगा हुआ है और फिर जब एक ऐसे हंटर एक कोड़ा उनके ऊपर उनके पीठ पे लग जाता है तो पूरा यहाँ से लेकर पूरा चारों तरफ वो मांस चीर के आ जाते हैं पूरा लहू लहान होता है आप द पैशन ऑफ क्राइस्ट करके एक मूवी है अगर उस मूवी को आप देखेंगे तो वो अच्छा सा आपको समझ में आएगा किस तरह से मसीह मसीने कोड़े खा चुका है और कितना मांस चीर के आ गया कितना खून बहाया उसको वहां पे इंग्लिश में विपिंग पोस्ट बोलते हैं जहां पे वो कोड़े लगवाया जाता है और नीचे ऐसे खून का बूंदे गिरा होगा और मांस चीर चीर के पूरा उनका बदन जो पीठ है ऐसे हल चला हुआ एक भूमि की तरफ बन गया है ये किस लिए हुआ है ये किस लिए हमारे लिए क्या मैंने रखता है ये आ, मैंने इसलिए रखता है कि पूरा हमारा होल बॉडी हमारा पूरा शरीर में कई भी बीमारी हो वो परमेश्वर ने पूरा शरीर को ऑलमोस्ट पूरा शरीर को उसने कोड़े लगवाया तो इसलिए अगर आपसे गुजर रहे तो आप ये निश्चिंत होके ये घोषणा करते रहिए प्रभु मेरे लिए आपने अपने ऊपर कोड़े खा चुके हैं पूरा बॉडी में कोड़े खा चुके हैं इसलिए हमको दूसरी बार टू मेक अवर होल बॉडीज हेल्दी एंड क्लीन तो ही हैजन थर्टी नाइन स्ट्राइप्स ऑन हिज बैक और फिर जल्दी से हम तीसरा जगह कहाँ पे हम देखते हैं एशिया फिफ्टी थ्री फाइव में लिखा है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया है हमारा ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस इसका जिक्र कर चुकी हूँ लेकिन आ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब एक एक अंग में जब घायल होते हैं तो ये क्या होता है पूरा इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है कई जगह ऐसे नसें फट गए होंगे और फिर जो हमारी जो अंग होता है बॉडी पार्ट्स होता है वहाँ पे कई सिर में लग गया होगा कई बॉडी में लग गया तो इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अंदर भी ब्लीडिंग हो चुका है इस कारण हमारे लिए ये पता होना चाहिए हमारी अधर्म हमारी मन के अंदर हमारे हृदय के अंदर जो गुणाएँ होती है गलत कल्पनाएं गलत सोच होता है गलत चीज़ें जो इंटरनली होता है जो बॉडी बो, में नहीं होता है हमारे मन में हमारे हृदय में जो यीशु मसीह ने इंटरनल ब्लीडिंग को भी सहा था जिस वजह से हम अधर्मों से भी हमारी अधर्म और फिर हमारी बाप दादाओं का जो कई बार बच्चे बेकसूर होते हैं लेकिन उनका माँ बाप का जो पाप जो है ना वो वंशावली के द्वारा उन बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इस वजह से यीशु मसीह ने इंटरनल ब्लीडिंग को भी सहा तो कि हमारी मन और हृदय का पाप को भी धुल सके ये तीसरी बात है और फिर चौथी बात है हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 2 उसमें लिखा है कि और सिपाहियों ने कांटों के मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी ऊपरी वस्त्र पहना दिया ये फोर्थ में क्या लिखा है बड़े बड़े लंबे लंबे कांटिया और फिर मैं अगर आपको डिगिंग करना है तो और खोज लीजिए किस चीज़ का कांटे हैं और कितना लंबा है और वो कीले जैसे हैं और वो ऐसे कांटों का मुकुट बनाया गया और उनके सिर पे और ऐसे बुरी तरह से वो जब वो कांटे का मुकुट क्या करता है कांटे क्या जाता है सिर में वो छुप जाता है और अंदर तक चुप चला जाता है और फिर पूरा सिर पूरा ब्रेन में पूरा माइंड में जो हम माइंड को क्या कहते हैं जैसे कंप्यूटर में सी होता है कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट वो ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है हमारा शरीर के लिए सारा कंट्रोल यही से कंट्रोल रूम बोलते हैं तो इस ब्रेन के ऊपर इस माइंड के ऊपर उसने इतना बड़ा लंबे लंबे कांटों का मुकुट पहनाया गया पहन लिया हमारे लिए किस लिए पहन लिया कि अगर एशिया 263 में लिखा तो ही विल गिव परफेक्ट पीस मसीह के आधार पर अपना जीवन को बिताते वो यीशु मसीह उनके बदले उनको क्या देते हैं परिपूर्ण शांति परिपूर्ण शांति दुनिया की कोई भी जगह से आपको नहीं मिल सकता पैसा से नहीं मिल सकता इलेक्ट्रॉनिक गुड से नहीं मिल सकता है कोई भी दुनिया की शांति परिपूर्ण नहीं होता है वो टेम्प्रेरी होता है कुछ समय तक आपको शांति मिलेगा लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाएगा फिर अशांति शुरू हो जाएगा लेकिन जो यीशु मसीह जो देता है वो परिपूर्ण शांति है वो कोई उस शांति को छीन नहीं सकता और कोई उस शांति को ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं शांति का राजकुमार है एशिया नाइन सिक्स में ये बात लिखी हुई है तो इस तरह हमारे मन में शैतान जो मेहर का बुक पढ़ेंगे माइंड इज़ ए बैटल ग्राउंड फॉर सेटन मतलब शैतान कैसे काम करता है पहले वो सोचों का तीर हमारे माइंड में फेंकता है जब वो सोच वो पनप जाता है तो फिर मुँह से निकलता है फिर कार्य रूप लेता है इस तरह से आ, जेम्स में भी लिखा है कैसे पाप आ, पैदा होता है पाप होता है वो सारे प्रोसेसिंग यहीं से शुरू होता है तो इसलिए हमारे लिए माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मन में आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या कई और नेगेटिव इमोशन से गुजर रहे हैं मेरा डर से गुजर रहे हैं, या हाइपर से गुजर रहे हैं आपको ये खुशखबरी है मसीह ने इतने बड़े बड़े कांटों का मुकुट पहन के आपका माइंड को उसने आज़ाद कर दिया हाल ताकि आप शैतान को उस जगह देने की ज़रूरत नहीं है वचन से भर दीजिए और फिर रोमियो बारह में लिखा है ना एक और दो में प्रतिदिन वचन के अनुसार अपना माइंड को रेन्यू नया करते जाइए फिर कोई आपको हिला नहीं सकता हरा नहीं सकता हाल और फिर हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं पांचवा जगह जहाँ यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया ये ये मिलेगा आपको मैथ्यू ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव तब उन्होंने उस क्रूज पर चढ़ाया और चिटियाँ डालकर उनको कपड़े बांट लिए और फिर वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह को हाथों में दोनों हाथों में कीले टोक दिया दोनों हाथों में इतने लंबे लंबे जब उस क्रूज के ऊपर उनको हाथ को ऐसे रख के ऐसे कील टोकते ना देखा नहीं जाता खास करके जब हाथों में इतना लंबी लंबी कील घुसते हैं तो हमसे देखा नहीं जाता है लेकिन जो हम देखा भी नहीं जाता है यीशु मसीह ने उसने सह लिया सोचो कितना दर्द से वो गुजर रहे होंगे उस समय और जल्दी से मैं पढ़ूंगी हमारे लिए यूट्रोनमी 28 में व्यवस्था विरण अट्ठाइस में लिखा है आपका हाथों का मेहनत को मैं आशीषित करूंगा आई विल सैंक्टिफाई द वर्क ऑफ योर हैंड्स हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सारा मेहनत आशीषित नहीं होते कई बार हमारे पास लोग आते हैं बोल रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है यहां पे प्लेट से हमारे एक कहावट है तेलुगु में प्लेट से आके लेकिन मुंह में नहीं गया मतलब लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ ऐसे रुकावट हो जाता है कि वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है लेकिन यीशु मसीह उस श्राप को तोड़ के अपने हाथों के ऊपर टुकवाया ताकि आपका मेहनत आशीषित हो आपका मेहनत के ऊपर यीशु का लहू लगाओ तो मेहनत को कोई छीन नहीं सकता ही सी द फ्रूट ऑफ योर लेबर हले लुया ये बहुत बड़ी आशीष है उसने हाथों से खील लगवा के हाथों में खून बहाया था हालेलुया और फिर हम देखते हैं प्लेस जहाँ पे पैरों में भी आपको क्रूज का सीन अगर याद है तो उसमें लिखा दोनों हाथ में भी कील लगा हुआ है और वो चोर दो चोर इधर एक इधर एक जो वो क्रूस पे लटका है उनका पैर में नहीं लगा हुआ आपको देखा ये बात ध्यान से देखिए उनका पैर में नहीं लगा लेकिन यशु मसीह का दोनों पैर को ऐसे रख के इतना लंबी कील यूज करना पड़ा होगा दोनों पैर को यहाँ से लेकर नीचे तक कील टो टोक दिया और फिर वो पैरों में क्यों इतना बड़ा कील टुकवाया इसलिए कि हमारी पैर हमारे कदम मुबारक हो हमारी कदम आशीषित हो जहाँ पे यहूश को आपको पता होना चाहिए यहूश को परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे साथ भी रहूँगा और जिस जगह में तू कदम रखोगे उस जगह को मैंने तुझे दे दिया अक्सर आप लोग ये जरूर ये वचन को क्लेम कीजिए प्रभु मेरा कदम नहीं है ये आपका कदम है और आपका कदम मैं रख रहे हैं। तो इस जगह को तूने मुझे दे दिया दे दिया मतलब टेक डोमिनियन डोमिनियन जब आ, अधिकार लेने का जगह का अधिकार मतलब वहां पे अंधकार की शक्तियों के ऊपर आप जय पाएंगे जय का जीवन बिताएंगे और फिर जेनेसिस उत्पत्ति एक और छब्बीस से अट्ठाईस मैं समय के कारण नहीं पढ़ रही हूं लेकिन अगर आप देखेंगे तो जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया उसने क्या कहा रेंगने वाले वस्तु उड़ने वाले सारे पृथ्वी के ऊपर तू अधिकार ले लो टेक डोमिनियन ओवर ऑल द क्रिएशन ऑफ द अर्थ एंड आई हैव गिवन द डोमिनियन मैंडेट मतलब पूरा अधिकार करने के लिए आदम ने uh, परमेश्वर को इतना अधिकार दिया लेकिन पाप के कारण वो अधिकार को शैतान को दे दिया ट्रांसफर हो गया लेकिन खुशखबरी ये है यीशु मसीह गुड फ्राइडे का समय जो दोबारा से उसने वो सारा जो शैतान ने जो अधिकार लिया है वो सब हमें वापिस करने के लिए आखिरी आदम बन हमारे लिए उसने इतने बार खून बहाया पैरों में बहाया इसलिए जहां पे आप कदम रखोगे वो आप अधिकार लेके आप डोमिनियन राज्य कर सकते हैं यही वचन में लिखा है ना लुका 10 और 19 में लिखा मैंने तुम्हें सांपों को बिच्छुओं को रोंदने का शत्रु की सारी अधिकार को रोंदने का मैंने तुझे सामर्थ दिया साम 91, 11, 12, 13 में पढ़ेंगे तो शेर और अजगर को लताड़ने का मैंने तुझे सामर दिया व्यवस्था विरण ग्यारह और में ये लिखा है बड़ा अच्छा लिखा है जितनी भूमि पर तेरे पांव पड़ेगा उस सब पर रहने वालों का मन में तुम्हारा परमेश्वर यह अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा कितना बड़ी वचन है लोग पढ़ते नहीं है समझते नहीं है इसलिए ऐसे हारा हुआ जिंदगी को बिताना प्रभु की मंजूर नहीं है तो इसलिए आखिरी में सेवेंथ प्लेस वेर गॉड जीसस क्राइस्ट शेड हिज ब्लड ये भाला बोलते है ना भाला वो उसे यीशु मसीह का साइड में पोक किया गया ऐसे चुबाया गया और जॉन चैप्टर 19 वर्स 34 में लिखा परंतु सिपाहियों में एक ने बर्चे से उनका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकले हाल ये साइड में से जो छेद किया है भाला से ये वहां से क्या निकला है खून भी निकला है साथ साथ पानी भी निकला है इसका मतलब क्या है पानी निकला का मतलब ये है कि सारा जो लहू बह चुका है नाउ देर इज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ ब्लड दैट इज़ रिमेनिंग इन हिज बॉडी एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड आखिरी बूंद तक उसने बह चुका है इसलिए वो पानी निकला है और फिर हम किस लिए हुआ है कि हमारे टूटा हुआ दिल योग्य बलिदान ऐसे बहुत जगह लिखा है कि बो से दबे हुए मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और साम 147 3 में लिखा है कि वो खेदित वालों के चंगा देने के लिए गाँव पर मरम पट्टी बांधने के लिए इस पृथ्वी में आए थे अपने लहू बहाए थे और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन ट्वेंटी वन फोर में लिखा है वो सबके आंसू पहुंचने के लिए इस पृथ्वी में आए थे और सात जगह खून बहाए थे और फिर लिखा है उसके बाद मृत्यु ना रहेगी ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी पहली बातें सब जाती रहेंगे चलिए इत, इतना सात जगह कहाँ कहाँ मैंने बोला पहले गार्डन ऑफ गेट से मैंने फिर वहां पे क्या हुआ खून पसीने के रूप में फिर उसके बाद जॉन नाइनटीन वन कोड़े खाने के द्वारा और फिर तीसरा जगह वो इंटरनल ब्लीडिंग और फिर चौथा जगह कांटों का मुकुट जो हमारे माइंड में शांति हमें देने के लिए और फिर हाथों में कील ठकवाया ताकि हमारे हाथों का काम को मुबारक करे और फिर पैरों में कील ठकवाया ताकि हमारे कदम मुबारक हो और फिर उसके बाद उसके बाद साइड में क्योंकि हमारे दिलों के अंदर खुशी देने के लिए टूटा हुआ दिल को वो मरम लगाने के लिए हमारी आंसू पहुँचने के लिए हमारी दोहाई सुनने के लिए उसने साइड में टुकवाया है जहाँ से खून के साथ साथ पानी भी आया इस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस के समय में गुड फ्राइडे का समय सात जगह लहू बहाया ये लहू को हम पुकारें और लहू को नहाएं लहू को पिए जब प्रभु प्रभुबोझ होता है तो और फिर एक जैवंत जीवन को हम सब बिताए हैं चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु येशु, इस वक्त हम देखा है प्रभु क्रूस के ऊपर आपने कैसे दुख उठा। प्रभु हालेलुया और पूरा बूंद लहू हमारे लिए बहाया प्रभु और यौहना 19 और 30 में आपने कहा इट इज फिनिश्ड आपने सात जगह हमारे लिए प्रभु पूरा लहू जितने बॉडी में लहू है वो सब कुछ आपने हमारे लिए सात जगह में बहाया ताकि प्रभु हमारे पूरी तरह से चंगाए होल सम ब्लैसिंग्स फुल फ्लैज ब्लेसिंग्स पूरा कहीं भी कसर अधूरा नहीं छोड़ा प्रभु क्योंकि फिलिपियो एक छे में आपने कहा आ, आ, जो अच्छा काम आप आरंभ करते हैं वो अधूरा नहीं छोड़ते हैं वो पूरा भी करते हैं यू यू आर ए गॉड ऑफ परफेक्शन एंड प्रभु इसलिए आपने जो क्रूस के द्वारा जो खून बहाया वो भी परफेक्शन के साथ बहाया इसलिए प्रभु हम सेवन इज से परफेक्ट नंबर हले लुया और इस सात जगह में अपने खून बहा के हम सबको हर एक क्षेत्र में छुटकारा दिया इस लहू को हम पुकारें नहाए पिए और सामर्थी जीवन बिताएं और यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करें सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं हम घटे आप बड़े यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं